खरगोन में भाजपा की बूथ विस्तारक योजना को लेकर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि देश में पहली बार भाजपा हर बूथ का सत्यापन कर रही है। प्रदेश में 65,000 बूथ डिजिटल होंगे जो राज्य और केंद्र से सीधे जुड़ेंगे। स्थानीय प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक करने के बाद भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ विस्तारक योजना अभियान की शुरुआत की। इस एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जहां पर भाजपा जिला कार्यालय में वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा राजनीतिक संगठन है जो देश के 70% भूभाग पर काम कर रहा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष भी किया, साथ ही श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर भी हमला बोला। विस्तारक योजना के तहत अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के अभियान में सशक्त बूथ भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। उस अभियान के निमित्त मैं खरगोन भी आया हूँ। भगवान सिद्ध विनायक गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद, आज हमारा ये बूथ विस्तारक योजना का अभियान का खरगोन का अभी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और दिन भर बूथ पर रह करके अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को ताकत देने का हम सब काम कर रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आज 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक भाजपा के सशक्तिकरण के बूथ को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बूथ बनाने के अभियान में जुटी है। ये कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस भी कर रही है, घर जाना है, अच्छी बात है। कोई भी दल, कोई भी संगठन अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करता ही है, अच्छी बात है करें तो। इसमें मुझे तो कुछ नहीं कहना चाहिए। वैसे भगवान गणेश जी का मंदिर है, हमने पूजा आराधना की है, तो हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते। और मंदिर में तो आलोचना वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए उनके बारे में कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं अपने संगठन के काम के बारे में और जो अभियान हमने लिया है, हम प्रत्येक बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटल बूथ बनाने का अभियान, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने तकनीक के युग का उपयोग करते हुए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी का हम सब लोगों को जो मार्गदर्शन है,